नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज की नई वीडियो में मैं आपको अग्नि पुराण के दूसरे अध्याय के बारे में बताऊंगी। अग्नि पुराण अति ही प्राचीन है और बहुत ही पुराना है। शास्त्रीय व विशेषज्ञ दृष्टि के अनुसार यह पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। अग्नि पुराण में 12,000 श्लोक, 383 अध्याय उपलब्ध है। स्वयं भगवान अग्नि ने महर्षि वरिष्ठ जी को यह पुराण सुनाया था, इसीलिए इस पुराण का नाम अग्नि पुराण से प्रसिद्ध है। विशेषज्ञतः लोक उपयोगी अनेक विद्वानों व समावेश अग्नि पुराण में है। अग्नय में पुरोणस्त सर्वदा विधा प्रदिता यानी अग्नि पुराण, पधा पुराण, पुराणों के भगवान विष्णु को मूर्त रूप बताया गया है। उनके विभिन्न अंग की पुराण ही कहे गए हैं। इस दृष्टि से अग्नि पुराण ही श्री हरि का बायां चरण कहा गया है। अग्नि पुराण में अनेकों विद्याओं और समावेश जिसका अंतर्गत दीक्षा विधि, समाध्य पूजन विधि, भगवान कृष्ण व वंश का वर्णन, प्राण प्रतिष्ठा विधि, वास्तु पूजा विधि समाप्त, सर्व के नाम, षष्ठी वर्ण, अभिषेक विधि, देवलय निर्माण, फल दीपदान, व्रत तिथि व्रत, द्वारदत्त दिवस व्रत, मास व्रत, दान महात्स्य, राजधर्म, विविध सप्रभ, शकुन अपशकुन, स्नेह दृष्टि, शुभ अशुभ लक्षण, उत्पादन शांति विधि, वदन व्रत दीक्षा और परीक्षा लिंग करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बलि, वैश्वदेव, गृह यंत्र, श्लोक, महोन मंत्र, स्वर्ग नरक, जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ उन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। सिद्धि मंत्र, व्याकरण, छंद्र शास्त्र, काव्य लक्षण, नाट्य शास्त्र, अलंकार, शब्दकोश, योग गंगा, भगवद गीता, रामायण, रुद्र, शांति, रस, मत्स्य, कूर्म, अवतारों की बहुत सी कथाओं और विद्याओं का परिपूर्ण इस पुराण का भारतीय समस्त साहित्य में बहुत ही बड़ा महत्व है। अग्नि पुराण का फल यह है कि अग्नि पुराण को साक्षात अग्नि देवता ने अपने रूप से कहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुराण के श्रवण करने से मनुष्य अनेक विद्याओं का स्वामी बन जाता है, जो ब्रह्मा स्वरूप। अग्नि पुराण का श्रवण करते ही उन्हें भूत प्रेत पिशाच आदि का भय नहीं हो सकता। इस पुराण के श्रवण करने से ही यानी कि इन्हें सिर्फ एक बार याद करने या बोलने से ही कभी भी ब्राह्मण, ब्रह्म वेता क्षत्रिय, राजसत्ता का स्वामी, वैश्य धन का स्वामी, शूद्र निरोगी हो जाता है तथा उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक भी हो वहाँ विद्वान बाधा, अनर्थ, अपशकुन, चोरी आदि का बिल्कुल भी भय नहीं हो सकता। इसीलिए अग्नि पुराण की कथा श्रावण अवश्य पढ़ना चाहिए और उससे आपको एक न एक होता है, क्योंकि वे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होता है कब करवाना चाहिए कब नहीं, और हमें इन महीनों का ध्यान रखना चाहिए। अग्नि पुराण का आयोजन कहाँ करें, ये बहुत ही उचित क्वेश्चन है। इस बारे में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगी। अग्नि पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में अग्नि पुराण कराने का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जन्मभूमि क्या होता है। जहाँ पर आप पैदा हुए थे, जहाँ पर भी आपका परिवार रहता था वो, फॉर एग्जाम्पल आप केरला से हो, ठीक है, लेकिन आप दिल्ली में रहते हो, तो आप जन्मभूमि आप जहाँ से भी हो
कराना चाहिए। जननी जन्मभूमि पश्चिम स्वर्गदीप गाय ऋषि, इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी अग्नि पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन हो संतोष पहुँचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप करवा ले जहाँ पर आप रहते हैं, क्योंकि पलायन में जो लोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा के लिए चले जाते हैं, या कुछ लोग दोनों ही जगह रहते हैं। जहाँ पे भी आपको केवल एक समय ही भोजन करे, भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक हो तो भोजन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अगले अध्याय में बताऊंगी। ये था हमारा